फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ, जहां पुलिस लाइन रोड पर बने अवैध मकान और दुकान तोड़ने को लेकर पुलिस और कब्जा धारकों में जमकर नोकझोंक और हाथापाई हुई। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली भिजवाया। आपको बताते चलें कि जिला जेल चौराहे से लेकर पुलिस लाइन रोड पर वित्त विकास निगम की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिला जेल चौराहे से लेकर पुलिस लाइन रोड पर सरकारी जमीन पर लगभग 36 दुकानें और मकान अवैध रूप से बने हैं। उन्हें हटाने के लिए 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन लोगों ने मकान और दुकान नहीं तोड़ी। सुबह सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव, पालिका ईओ रविंद्र कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे तो बवाल हो गया। एक मकान व दुकान मालिक ने पुलिस पर सरिया से हमला कर दिया, साथ ही एक दरोगा को अंदर कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में 2 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली भिजवाया। पुलिस लाइन रोड पर 2 PM आवास भी बने हुए हैं, जिनको तुड़वाने का काम किया जा रहा है। लोग गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, विनती कर रहे हैं, लेकिन उनको बख्शा नहीं जा रहा। लोगों का कहना है कि वो मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे प्रधानमंत्री आवास मिला था, अब उसे भी तोड़ा जा रहा है, अब वो कहाँ रहेंगे। सभी लोगों को हटाया जा रहा है। मैडम, इस पे कोई सरकार की योजना है? जी, मैडम, ये बरसों से अतिक्रमण है यहाँ पे। पीएम आवाज ही बना लिया था, उस समय विभाग क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं आता? जब निर्माण हो रहा होता है उस समय रोका क्यों जाता है? वित्त विकास निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मकान को गिराना जायज है, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को गिराना कितना जायज है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का अधिकारियों से सर्वे होता है। ऐसे में अवैध जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा पास करना ये जाँच का विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।